आज हम चर्चा करेंगे गौतम बुद्ध से पहले भारत में किसका पूजा होता था या किसको मानते थे। तो प्यारे साथियों, इस विषय में जो हमारे भारत देश के जितने भी इतिहासकार हैं क्यों बात नहीं करते हैं, क्यों चर्चा नहीं करते हैं। जो हमारे देश के पॉलिटिशियन लोग हैं इसके विषय में क्यों बात नहीं करती हैं, क्या आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि जानते तो सभी लोग हैं लेकिन बातें कोई करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो आम मनुष्य है, हमारे जो आम जनता है, उन लोगों को अगर सच्चाई बता देने से उन लोगों का पोल खोल जाएंगे। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते तो हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की आदर्शों को हम मानते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि गौतम बुद्ध से पहले भारत देश में किसका पूजा होता था। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं बताएंगे, अगर बता देने से जो सच्चाई है वो तो उजागर हो जाएंगे। अगर उजागर हो जाएंगे तो उसका जो फॉलोअर्स है उसको नहीं मानेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जो सो कॉल इतिहासकार इस देश का है वो लोग भी नहीं बताते। जिसका एविडेंस नहीं मिलते हैं उसकी दिन रात चर्चा करेंगे, लेकिन जिसका मिलता है उसका कभी भी चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 2-3% लोग हैं वही देश को चला रहे हैं। अगर जो सच्चाई है उजागर हो जाने से उन लोगों का पास तो कोई नहीं जाएंगे, जो उसका धंधा है वो खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी को ये पता हो जाएंगे कि हमारे पूर्वज तो बुद्धिस्ट थे, तो इसलिए नहीं बताती है। बता देंगे तो उसका जो धंधा है वो तो खत्म हो जाएंगे। ताकि अपने धंधा को बढ़ावा दे सके, अपने धंधा को बराबर चला सके, इसलिए अपने जो धंधा है ताकि चौपट ना हो जाए, इसलिए जो सच्चाई है उसको कभी नहीं बताएंगे। उल जुलूल बातें आपको जरूर बताएंगे कि वहां में ये हुआ था, ये किया था, वो किया था, लेकिन जो सच्चाई है जिसका एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि प्रो बुद्धों की एविडेंस मिलते हैं, लेकिन आपको जो इतिहासकार लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री
आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि हमारे देश में किसका किसका मिलता है। जो वडनगर था, जो प्रधानमंत्री का जन्म स्थल था, वहां में एक वो मिला था ना, क्या आप लोगों को बताया है? नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि अगर वो बता देंगे तो उसका फॉलोअर्स ये कहेंगे कि देखो प्रधानमंत्री खुद कहा है कि हमारे जन्म स्थल पर ये मिला है, तो जो सोचा है वो तो उजागर हो जाएंगे। यहां तक कि जो अपने आप को सो कॉल मेन मीडिया कहती है, जो न्यूज एंकर लोग है, अपने आप को जो सो कॉल एक नंबर कहती है, वो लोग भी नहीं बताते हैं कि भारत देश में कौन था, किसका पूजा होता था, किसका एविडेंस मिलते हैं, जो काल्पनिक है उसको तो दिन रात चर्चा करेंगे कि वो हमें ये मिला है, वो हमें वो मिला है, लेकिन जो जिसका एविडेंस है नहीं बताएंगे। आपको क्या कहते हैं, गोमूत्र पियो, गोबर खाओ, लेकिन जो सच्चाई है उसको कभी मत पहचानो। आपको सच्चाई पहचानने की मौका नहीं देते, इसलिए तो आपको कहते हैं कि गोमूत्र पियो, गोबर खाओ। एक जो कथावाचक था ना, वो तो यहां तक कि कह दिया है कि अगर आपको बच्चा प्राप्त करना है तो पहले जो गाय है उसको गेहूं खिला, गेहूं खा के जो गोबर करेगा वो गोबर को क्या करना है, उस गोबर को आपको खाना है, तभी आपका जो मनोकामना है पूरा हो जाएंगे। अब एक गाधी, तुमको किसने ये सिखाया है कि अगर गोबर खाने से ऐसा होता है तो आज दुनिया में सभी लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए गोबर खाता। आपको अंधविश्वास में हमेशा बनाए के रखना है। आपको जो सच्चाई है उसको कभी भी उजागर नहीं होने देना है। तो इसलिए आपको कहता है, गोर जो गाय का पेशाब है उसको पियो, जो गोबर है उसको खाओ, मत खाओ मत पियो, वो हानिकारक है आपके लिए। आपका जो माइंड है उसको खत्म कर देंगे, जो आपका सोचने का विचार है उसको खत्म कर देंगे। तो किसी कथावाचक की आवेश में आकर उसको विश्वास कर गाय का पेशाब मत पीना, गोबर मत खाना, अपने शरीर पर मत लगाना। अभी गधों, गाय के बछड़ा को भी पता है कि पेशाब खाना है कि दूध खाना है कि नहीं? गाय का बछड़ा दूध पीता है और तुम गधे लोग दूध की जगह पिशाब पीती हो, तो तुमको अकल कहां से आएंगे? तुम गधे हो और हमेशा गधे ही रहोगे। क्यों? क्योंकि जो कथावाचक है तुमको मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं और तुम मूर्ख होते जा रही हो। मूर्ख बनो, बनते रहो, आने वाली पीढ़ी तक अगर तुम नहीं सुधरोगे तो वो भी मूर्ख ही पैदा होंगे। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध परंपरा का इतिहास, इसके बारे में हम थोड़ी जान लेते हैं। तो बुद्ध वंश पाली है कि नहीं? तो प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूं। ये रहा लीगल डिस्क्लेमर, अब हम आगे
बढ़ती है। बुद्ध परंपरा का इतिहास। तो प्यारे साथियों, बुद्ध वंश पाली, बुद्ध वंश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध से पहले कितने बुद्ध हुए उसकी जानकारी मिलती है। बुद्ध वंश सुत्त पिटक के भाग खुदक निकाय का हिस्सा है। बुद्ध वंश में 25 बुद्धों की इतिहास की चर्चा की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। बौद्ध परंपरा में 28 बुद्धों का उल्लेख किया जाता है। बौद्ध वंश में बुद्धों के नाम दीपंकर बोध, कुंदनीय बोध, मंगल बोध, सुमन बोध, रेवद बोध, सोबेत बोध, अनोमदासी बोध, पदुम बोध, नरद बोध, पद्मोतर बोध, सुमेध बोध, सुजात बोध, पियदासी बोध, अथदासी बोध, धम्मदासी बोध, सिद्धार्थ बोध, तिस्सा बोध, पुष्य बोध, विपासी बोध, सिखी बोध, विषभू बोध, ककुसंध बोध, गोनागमन बोध, कश्यप बोध, गौतम बुद्ध। यानी कि बुद्ध वंश में जो 25 जो 25 बुद्ध का नाम मिलते हैं, यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें तीन और जोड़ता है, तनहंकर बोध, मैधंकर बोध और शरणंकर बोध। इन तीनों को मिलाकर 28 हो जाती हैं। तो इन्हें संबोध भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख दीघ निकाय के महापदांध सूत्र में किया गया है। तो आज हम जो मेन है उन विषयों पर ही हम बात करेंगे। तो इसलिए पहले हम जान लेते हैं पाली भाषा में बुद्ध के नाम। तो जो साइड में ब्रैकेट में दिया हुआ है, वे पाली में वो अक्षर नहीं पाए जाती है। आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है। तो पाली में नाम कैसा है? तनहंकर बोध, मेधंकर बोध, शरणंकर बोध, दीपंकर बोध, कुंदन्य बोध, मंगल बोध, सुमन बोध, रेवद बोध, सुबेद बोध, अनुमदासी बोध, पदुम बोध, नरद बोध, पमोतर बोध, सुमेत बोध, सुजात बोध, पियादासी बोध, अथदासी बोध, धम्मदासी बोध, सिद्धार्थ बोध, तिस्सा बोध, पुष्य बोध, विपासी बोध, सिखी बोध, विषभू बोध, ककुसंध्या बोध, गोनागमन बोध, कश्यप बोध, गौतम बोध। ये 28 बुद्धों के नाम। तो संस्कृत भाषा में बुद्धों के नाम, लेकिन जो ब्रैकेट में जो अक्षर दिया हुआ है, ये पाली में तो कुछ अक्षर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो संस्कृत है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, वो पाए जाती है। क्यों पाए जाती है? क्योंकि संस्कृत बहुत पुराना नहीं है, संस्कृत नया है। पाली बहुत पुराना है, लेकिन संस्कृत बहुत नया है, इसलिए ये संस्कृत में पाई जाती है। संस्कारित नाम ही है संस्कारित, संस्कार किया हुआ, रिफाइन किया हुआ, इसलिए ये संस्कृत में पाई जाती है कि नहीं? जो संस्कृत में नाम है, आप लोग खुद एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ में दिया हुआ है कि नहीं? तो आप लोग एक बार खुद पढ़ लीजिए। तो प्यारे साथियों, अब हम चर्चा करेंगे कि बुद्धों की जो 28 बुद्ध है, उन लोगों का जन्म स्थल, पिता का नाम, माता का नाम,
बोधि वृक्ष और कुछ अन्य जैसे कि पुत्र का नाम, शिष्यों के नाम किसी किसी में मिलता है, किसी किसी में नहीं मिलता है। तो हम पहले देखते हैं तनहंकर बोध। मैं बहुत लंबा चौड़ा करने वाला नहीं हूँ, कुछ आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ में आप लोगों को दिखा देने वाला हूँ, तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आरंभ कर देता हूँ। तनहंकर बोध, जन्म पुप्पवड़ी, पिता का नाम राजा सुनंद, माता का नाम रानी सुगंधा, बोधि वृक्ष रुक्थकना, मेढंकर बोध, जन्म स्थल यधारा, पिता का नाम सुदेव, माता का नाम यशोधरा, बोधि वृक्ष गंधंद। तीन नंबर पे है आपका शरणंकर बोध, जन्म स्थल विपोला, पिता का नाम राजा सुमंगल, माता का नाम रानी यशवती, बोधि वृक्ष पुला। ठीक इसी तरह नंबर फोर पर हर दीपंकर बोध, नंबर फाइव पे है कुंदन्य बोध, नंबर सिक्स पे है मंगल बोध। आप लोग एक बार खुद पढ़ लीजिए, मैं नाम बस बताती जा रहा हूं। नंबर सेवन पर है सुमान बोध, नंबर एट पर है रिवद बोध, नंबर नाइन पे है सुबेद बोध। जन्म स्थल, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम और वृक्ष आप लोग एक बार खुद पढ़ लीजिए। नंबर टेन पे है अनुमदसी बोध, पद्म बोध, नारद बोध। नंबर 13 पद्मोत्तर बोध, नंबर 14 सुमेध बोध, नंबर 15 सुजात बोध। सुजात बोध जन्म स्थल कहाँ है? सुमंगल नगर। पिता का नाम उदांत, माता का नाम पौभवती, पत्नी का नाम श्रीनंदा, पुत्र उपसेंद, है कि नहीं? ठीक इसी तरह नंबर 16 पे है प्रियदासी, नंबर 17 पर है आपका अर्थदासी, नंबर 18 धम्मदासी बोध, जन्म स्थल शरणंग नगर, पिता का नाम राजा शरणन, माता का नाम सुनंदा, पत्नी विचिकोली और पुत्र पन्नु बुद्धदेंद, 19 सिद्धार्थ बोध, 20 तीस बोध, नंबर 21 पुष्य बोध, 21 नंबर 21 पुष्य बोध का जन्म स्थल का है काशिका नगर, पिता का नाम राजा जयसेंद, माता का श्रीमा, पत्नी गौतमी और पुत्र अनुपोम्ब, अनूप, सॉरी अनुपम नहीं अनूप। ठीक इसी तरह नंबर 22 विपासी बोध, नंबर 23 सिखी बोध, नंबर 24 विषभू बोध, नंबर 25 ककुसंध बोध, नंबर 26 गुणगमन बोध, नंबर 27 कश्यप बोध, नंबर 28 गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का तो सभी को पता है, लेकिन 27 का जितना बुद्ध का पहले तथागत बुद्ध का पहले जितने 27 हुए उन लोगों को आप लोगों को शायद पता नहीं था, तो आप लोगों के साथ मैं आज ये शेयर किया हूँ, तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो जो इतिहास सूत्र क्या इंडिया में
जितने भी बोध हुए हैं उन लोगों का एविडेंस मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मिलता है तो कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ मिला है, और क्या जो विदेश से यहाँ जो पढ़ने आए हैं उन लोगों की नोट्स पर इन बुद्धों के नाम मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो विपस्सी बोध, सिखी बोध, वेसभु बोध, काको संध बोध, गोनागमन बोध, कश्यप बोध और गौतम बुद्ध, ये जो साध है इसकी एविडेंस मिले हैं। और जो बाकी लोग है, जो बाकी है उन लोगों का शायद अभी तक नहीं मिला होगा, लेकिन जो साध बुद्ध अभी मैंने आप लोगों को बताया नाम, उसका मिलता है। तो कहाँ मिलता है, तो वो सबसे बड़ी बात है कि नहीं। तो आप लोगों को मैं यहाँ एक तस्वीर दिखाने वाला हूँ जो कि आपको देखना चाहिए। ये है अजंता एरोरा की गुफाओं में जो साध बुद्ध मैंने आप लोगों को नाम बताया है उन लोगों का यहाँ मिलता है। जैसे कि नीचे में दिया हुआ है कौन है, विपस्सी बोध, सिखी बोध, वेसभु बोध, काको संध बोध, गुणगमन बोध, कश्यप बोध और गौतम बोध शामिल है। तो ये कहाँ में मिलता है, ये आपको मिलता है अजंता एरोरा, तो है कि नहीं, तो ये तो मिलता है। तो कोई भी ये नहीं नकार सकता है कि वहां में बुद्ध, जो सात बुद्ध है उन लोगों का नहीं मिलता है, ये कोई भी नकार नहीं सकते हैं क्योंकि वहां में मिलता है। तो जो हमारे इतिहासकार लोग हैं, लेकिन आप लोगों को ये बताने की कोशिश नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको इसलिए नहीं बताते हैं ताकि अगर जो सच्चाई है उजागर हो जाएंगे तो जो उन लोगों का जो गेम है वो खराब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमेशा बुद्ध की इतिहास को दबाने में लगे हुए हैं जो सब लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो कथावाचक लोग हैं, जो अपने आप को शो कॉल हिंदू कहते हैं, वे लोग क्या करते हैं, जो बुद्ध की इतिहास है उसको मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें मिटने नहीं देना है। इसलिए जो सच्चाई है हमेशा उसको उजागर करना है। तो पूर्व बुद्धों का उल्लेख अजंता की गुफाओं में होता तो है, और कहां कहां मिलते हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ये सेकेंड पिक्चर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, ये पूर्व बुद्धों के उल्लेख अजंता की गुफाओं, भारूड स्तूप, सांची स्तूप, सम्राट अशोक की अभिलेखों में, फाहियान की यात्रा विवरण में, हैनसोंग की यात्रा विवरण में भी मिल जाएगा आप लोगों को, अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो। आप लोगों को और मैं जो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा, आप लोगों को मैं यहां में दिया हुआ हूं, आप लोग एक बार खुद पढ़ लीजिए कि यहां में किसका किसका जिक्र मिलते हैं। तो यहां में किसका मिलता है, कश्यप बोध, काको संध बोध और कनक मुनि के जन्म स्थल है कि नहीं। नगर के पश्चिमी 50 ली पर ट्वीट नामक एक गांव पड़ता है, यह कश्यप बोध का जन्म स्थल माना जाता है। पिता पुत्र के दर्शन के स्थल पर स्तूप बने हुए हैं। कश्यप बोध की शरीर धातुओं की एक विशाल धम्म स्तूप बना हुआ है। श्रावस्ती नगर के दक्षिण पश्चिमी दिशा में 21 योजन पर न पीकिया नामक गांव परा, यहां काको संध बोध के जन्म स्थल पर पिता पुत्र दर्शन के स्थल पर और परिनिर्वाण स्थल पर धम्म स्तूप बने हुए हैं। तो मेरा आप लोगों का जो दिखाने का मकसद था कि जो
चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा, क्या उसका जो नोट्स है उसमें बुद्धों के नाम मिलता है कि नहीं मिलता है, यही आप लोगों को दिखाने का मकसद है। तो मिलता है, तो इसलिए जो सत्य है उसको हमेशा हमें मान लेना चाहिए। लेकिन जो कथावाचक है, जो सो कॉल इतिहासकार है, आप लोगों को ये नहीं बताती हैं। क्यों? क्योंकि अगर बता देंगे तो उन लोगों का जो गेम प्लान है वो खराब हो जाएंगे। जो कथावाचक लोग हैं, उलूल जुलूल बातें आपको बताएंगे कि जो गाय का आपको पेशाब पीना है, उसका जो गोबर है खाना है, लेकिन जो भारत का जो रियल इतिहास है वो आपको कभी नहीं बताएंगे। अगर बता देंगे तो उसका चंदा आना बंद हो जाएंगे, उसका धंधा मंदा हो जाएंगे, जो उसका प्लान है सब चौपट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको कभी नहीं बताती हैं। लेकिन हम जानते हैं जो सच्चाई है वो कभी नहीं छुपते हैं, है कि नहीं? हम कहते हैं कि आकाश में जो चंद्रमा दिखती है, जो सूरज है, भले ही एक समय के लिए वे ना दिखता हो, लेकिन वो फिर से निकलते हैं। ठीक इसी तरह कि जो सच्चाई है वह हजार कोशिश कर लीजिए वो कभी छुपती नहीं है, वो उजागर होती ही रहती। तो प्यारे साथियों, फिलहाल तो बस हम आज इतना में ही ख़त्म करते हैं। फिर नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। Oh yeah, okay, la sam, la sam, la sam. Oh yeah, okay, la sam, la sam, la sam.